कुछ भाइयों का सवाल रहता है कि हमारी पॉलिस्टर में चमक उतनी नहीं आ रही है। चमक ना आने का कारण सिर्फ यही होता है कि सैंडिंग प्रॉपर नहीं होती। 220 से हमने इसकी सैंडिंग कर ली है। 220 से सैंडिंग हो गई है, देखिए प्रॉपर। अब हम इसकी 320 की डिस्क इसके ऊपर लगाएंगे अपनी मशीन के ऊपर। ये हमारी बॉस की मशीन है और ये 6 इंच की मशीन है। अगर आप इसे मार्केट से लेने जाएंगे तो 7-8 हज़ार रुपये की आपको मिल जाएगी। अब ये 320 से हम इसकी सैंडिंग कर रहे हैं। आपको अगर वीडियो को समझने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखें, मैं आपको उसको आपका जो डाउट होगा वो क्लियर कर दूंगा। सैंडिंग हो रही है। आप सैंडिंग जो हम कर रहे हैं उसमें जो सैंड पेपर आपको नंबर बता रहे हैं उसका खास ध्यान रखिएगा। ये हमने 320 भी मशीन से कर दी है। इसके बाद हम लेने लगे हैं ये 400 नंबर, ये भी हम मशीन से कर रहे हैं। आप अगर आपके लिए बेटर ये है कि आप एक नंबर मशीन से मारें और एक हाथ से मारें, क्योंकि हम लोगों को तो एक्सपीरियंस है, हम बहुत सालों से काम करते हैं तो हम तो मैनेज कर लेंगे। लेकिन आप जब 220 से करेंगे और फिर 320 मशीन से मार देंगे तो मशीन के निशान सब्जेक्ट पे आने लगते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा आपको जल्दी है या आप नहीं करना चाहते आज से, तो आप 600 नंबर या 800 नंबर तक, 800 भी नहीं बल्कि 600 नंबर तक आप मशीन से मार सकते हैं। 800 फिर आपको हाथ से मारना पड़ेगा, फिर 1000 आप मशीन से मार सकते हैं, फिर 1200 आपको हाथ से मारना पड़ेगा, फिर 1500 मशीन से मारिए और 2000 फिर हाथ से मारिए। हाथ से जब आप मारेंगे तो इसके ऊपर कोई भी निशान बाकी नहीं रहेगा। हमने ये 400 नंबर जैसे मशीन से मारा है, अब हम इसको हाथ से भी मार रहे हैं। हाथ से मारने का रीजन वही है, जो निशान है वो मशीन का जो निशान है वो निकल जाए, इसलिए हम हाथ से मार रहे हैं। इस तरीके से आप मार लें। मारने में आप जब रिमाल मारे तो ध्यान रखें कि आपके फिंगर के निशान ना आए, इस तरह से आप मारें। अगर आप इस तरह से, अगर आप फिर अगर आपके उंगलियों के निशान आ ही रहे हैं, हाँ वो नहीं आप उसको इस तरह से मार पा रहे कि फिंगर से मारे और फिंगर का निशान ना आए, तो आप लकड़ी का एक गुटका ले लीजिए, उससे आप उसमें सैंड पेपर लगा के आप सैंडिंग कर लीजिए। हम लोग डिस्क ज़्यादा यूज़ करते हैं, आप लोग चाहें तो आप वैसा जो हाथ वाला रेगमाल है वो यूज़ कर सकते हैं या कोई दूसरी मशीन यूज़ कर सकते हैं। फिर आप इस तरह से सफाई कर लें इसकी। अब ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए 400 मारने के बाद इस हाथ से भी हमने मार दिया। इस पे देखिए आपको कहीं निशान नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अभी तक ये मैट ही है और ये मैट ही रहेगा जब तक इसके सैंडिंग पेपर पूरे पर नहीं हो जाती सैंडिंग, तब तक ये मैट ही रहेगा। लेकिन एक चीज़ है कि बिल्कुल ये स्मूथ हो चुका है, देखिए ये अगर आप इसको देखें तो ये बिल्कुल स्मूथ है। पॉलिस्टर का ये बेनिफिट होता है, इस पर इतनी ज़्यादा सैंडिंग होती है, इसीलिए यही वजह है कि इस पर कोट भी इतने ज़्यादा मारने पड़ते हैं।
बिल्कुल मैट फिनिश लग रहा है ये और एकदम प्लेन है। अब जो इसके ऊपर हम सैंडिंग करेंगे, मतलब 400 के बाद हाथ से जो 400 लगाया वो हम करेंगे पानी के साथ। इसमें पानी हमने रख लिया है, 400 के बाद जो आपको लगाना है वो लगाना है 600 नंबर। 600 नंबर आप करेंगे अब। ये 600 नंबर का एक माल है, आप 600 नंबर ले लीजिए और मशीन में लगा लीजिए। पानी लगाइए इस तरह से और ये 600 नंबर डालिए। पानी डाल के आप इस तरह से इसको चला सकते हो। ये पानी लिया, ऐसे डाला और ये मशीन चला। पानी के साथ अगर आप सैंडिंग कर रहे हैं तो मैं ये कहूंगा कि आप किसी ब्रांडेड मशीन को यूज करें, क्योंकि जो लोकल मशीन होती है उसमें कई बार करंट आने का खतरा रहता है और करंट आ जाता है तो फिर वो शॉक आपको भी लग सकता है। छूट जाएगा तो वो उसकी आउटपुट में उतना मजा नहीं आता, इसलिए पूरे सरफेस को अच्छी तरह से आप सेंड करें। 800। अब इसके बाद आप 800 नंबर का सैंड पेपर ले लीजिए। ये 800 नंबर का सैंड पेपर हम इस पे लगा रहे हैं। अब इस पे पानी डालें और सैंडिंग करें। अभी 1000 नंबर का रेगमाल हम लगाने लगे। सारी सैंडिंग आपको करनी पानी के साथ ही है। इस तरह से पानी डालिए और सैंडिंग कीजिए।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर से पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।